हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और आंध्रा स्पेशल रेसिपी, मामिड़ी का इंस्टेंट पचड़ी, मीन्स कच्चे आम का इंस्टेंट चटनी। तो इसके लिए मैंने लिया है कच्चा आम, कुछ लहसुन की कलियाँ और सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च की जगह आप मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, और आम हमें कच्चा और खट्टा ही यूज़ करना है। अब तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है सरसों, जीरा, चना दाल, उड़द दाल हाफ हाफ टीस्पून है, हल्दी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, नमक, तेल, करिया पत्ती का एक स्ट्रिप है और थोड़ा सा हींग। तो अभी मैंने मिक्सी का जार लिया है। सबसे पहले मैंने आम को अच्छे से धो के इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काट लिया। आप चाहो तो छिलका उतार सकते हो आम का, बट आम के छिलके में भी काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स होते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैंने छिलका नहीं निकाला है। अब मैं डाल रही हूँ लहसुन की कलियाँ, डालकर इसे मैं दरदरा ग्राइंड करूँगी। उसके अलावा मैंने एक और मिक्सी का जार लिया है, उसमें मैं मिर्चियों को तोड़ के डाल रही हूँ। अगर आप इस तरीके से सूखा मिर्च नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप एक टीस्पून मिर्च पाउडर डाल सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ और जीरा डालकर इसे मैं ग्राइंड कर रही हूँ। इसे हम आम के साथ भी डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। इस तरीके से अलग ग्राइंड करने से मिर्ची अच्छे से ग्राइंड होगा। अभी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा दरदराई है, और बाकी का हम आम के साथ ग्राइंड करेंगे। अब आम को भी आप देख सकते हैं, आम भी दरदरा है, मैंने इसको चिकना पेस्ट नहीं बनाया है। अगर आप सूखा मिर्च नहीं डालना चाहते हो, मिर्च पाउडर ही डालना चाहते हो, तो इस स्टेज पे आप मिर्च पाउडर, जीरा, हींग, नमक डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। अभी मैंने ग्राइंड किया हुआ पाउडर डाल दिया है, अब नमक डाल रही हूँ। नमक डाल के मैं मिक्सी को जस्ट एक बार घुमाऊंगी, चिकना पेस्ट नहीं बनाऊंगी, मिला के जस्ट एक बार घुमाऊंगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैंने इसको मिक्स करके एक बार घुमा लिया, आप देख सकते हैं मैंने इसको ग्राइंड तो किया है बट इसका चिकना पेस्ट नहीं किया, इस तरीके से दरदरा रखा। ऐसा रखने से चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये ग्राइंड हो गया, इसको रख रही हूँ साइड में। अब हम लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने अराउंड 3 टीस्पून ऑयल डाला है। ऑयल डाल के ऑयल जैसे गर्म हो गया, इसमें मैंने डाला है चना दाल, उड़द दाल, सरसों, जीरा, सभी हाफ हाफ टीस्पून है। उसके अलावा 2 सूखी लाल मिर्च हैं, डालकर थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। डालकर अब हम इसे हल्का मिक्स करेंगे। ये चटनी में बिना तड़के के भी चटनी बहुत टेस्टी लगती है, बट तड़का डालने से इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। और ये चटनी को बनाकर आप 1 वीक तक फ्रिज के बाहर रख के यूज़ कर सकते हैं, और फ्रिज में रख के अराउंड 15 डेज तक आप यूज़ कर सकते हैं। आप करिया पत्ती डाल के, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ग्राइंड किया हुआ चटनी। ये चटनी वैसे तो ट्रेडिशनली स्टोन हैंड ग्राइंडर या सिलबत्ते में पीस कर बनाते हैं, वैसा बनाने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने मिक्सी का यूज़ किया है, मिक्सी का यूज़ करने के बावजूद ये चटनी बहुत टेस्टी बनी है। अभी मैंने इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डाला है, हल्दी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, मैं कलर के लिए डाली हूँ। अब डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अभी मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप चेक कर लेना, कम लगेगा तो डालना, क्योंकि ग्राइंड करते समय भी हम नमक डाल चुके हैं। अब इसको धीमी आंच पर अराउंड 3 मिनट तक भूनना है, उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। ये चटनी रोटी, स्टीम राइस, पराठा सभी के साथ अच्छा लगता है। अब चटनी बन के रेडी हो गई, आप देख सकते हैं ये कितना यम्मी और टेस्टी दिख रहा है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग बाउल में। अब आप भी ये टेस्टी आंध्रा स्टाइल मामिड़ी का पचड़ा ज़रूर बनाइए, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।